वन वेलकम हेयर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लैक्टोजन स्टेज वन फॉर्मूला, इसको कैसे बनाते हैं। और ये नेस्ले कंपनी का है, सो रेपुटेटेड कंपनी है, तो ये आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। सो ये इंडिया के टॉप 5 में से आता है ये लैक्टोजन फॉर्मूला, तो बहुत ही अच्छा है। ये 6 मंथ तक के बच्चों के लिए होता है, जैसे स्टेज वन 6 मंथ तक के बच्चों के लिए, स्टेज 2 6 प्लस के लिए होता है, स्टेज 3 12 प्लस के लिए होता है, स्टेज 4 18 प्लस के लिए होता है। तो अभी मेरा बेबी 5 मंथ का है, तो मैं स्टेज 1 यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद स्टेज 2 भी मैं यूज़ करूँगी, तब मैं उसका भी वीडियो बनाने वाली हूँ। सो यहाँ पे इसका फीडिंग टेबल दे रखी है, आहार तालिका, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इसको कैसे देना। जब आप बाय करेंगे ये पैकेट, तो वहाँ पे आपको लिखा आएगा। तो आप अगर आपका बेबी 1 से 2 वीक का है, तो आप 90 ml उसको देते हैं। 3 से 4 वीक का है, सो आप उसे 120। अगर सेकेंड मंथ है उसका तो 150। थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ के 180। और फिफ्थ टू सिक्स मंथ के लिए 210 ml दिया जाता है, 210 ml। सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला सबसे पहले ये है कि आपको 30 ml वाटर में 1 स्कूप डालना है। और 1 स्कूप जो इसके अंदर से आता है, मैं आपको दिखाती हूँ स्कूप को। ये इसमें स्कूप आता है और ये मेजरमेंट बेस्ट होता है इसका, यही मतलब कि प्रॉपर मेजरमेंट है। आप कोई भी घर का स्पून यूज़ नहीं करें, बिकॉज उसका मेजरमेंट में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, कम ज़्यादा हो जाता है। तो बेस्ट इसमें आता है, इनबिल्ट आता है, तो आप इसी को यूज़ करें। और सबसे पहले जो हमें बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, पानी बॉयल हो रहा है। 5 से 10 मिनट हमने बॉयल करना है पानी को। और आप जो ये पैकेट लेते हैं बाहर से, तो इसको आप कभी भी लूज़ ना रखें, जैसे ये पैकेट है इसको खुला ना रखें, और किसी भी पॉलीथीन वगैरह में नहीं रखें। आपको ऐसे एयर टाइट कंटेनर लेना, आपके घर में जो भी कंटेनर अवेलेबल है, कोई भी डब्बा है, तो उसमें आप इसको ऐसे डालें। और ये जो पैकेट है, ये फॉइल पेपर पैकेट, सो इसी के अंदर रखना है। ऐसा नहीं कि आप इसको बाहर निकाल के पाउडर इस डब्बे में डाल दें, ऐसा नहीं करना है, इस पैकेट के साथ ही रखना है। और जब भी पैकेट लाती हूँ मैं, इसको ओपन करके इसके अंदर रख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ये एक बोतल है, सेलो बोतल, जो कि ठंडा गर्म पानी रखने के लिए, मिल्क रखने के लिए यूज़ की जाती है। तो मैं इसमें जब ये पानी लुक वार्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो मैं इस बोतल में पानी रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे को जब भी कभी उठ जाता है तो उसको बहुत जल्दी जल्दी हमें मिल्क देना होता है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम मतलब बेबी को छोड़ के, अगर आप सिंगल मोमो, उसके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ, मेरे कोई हेल्प नहीं होती, कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं रहते मेरे साथ में। सो यहाँ पे मैं ये लूप वॉर्म बॉटल करके मैं इस बोतल में रख लेती हूँ। मैंने स्पेशली बोतल इसीलिए ली थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि पानी जैसा आप रखते हैं वैसा का वैसा ही रहता है पानी, ना ठंडा होता ना गर्म होता है, तो ये बेस्ट बोतल होती है। तो इसको हम अभी, ये बॉइल्ड हो गया वाटर, तो इसको हम गैस ऑफ करके इसको थोड़ी देर हम लूक वॉर्म होने देते हैं, जितना कि हम बेबी को देते हैं, बस लिटिल बिट, जैसे रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने देंगे, देन हम इसको इस बोतल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो ये बोतल में पानी वैसा का वैसा रहेगा, और जब भी हमें फॉर्मूला बनाना होगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। पानी ऐड किया और पाउडर डाला और मिक्स करके हम अपने बेबी को दे सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि यार मेरे को टाइम लगेगा, बेबी रोने वाला है, रो रहा है, ऐसे करके। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने यही होता है कि आप ऐसी एक बोतल ले लें, बहुत सारी बोतल इजीली आपको मिल जाएगी ऑनलाइन या बाहर शॉप से, सो आप उसको यूज़ करें। अभी हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, देन मैं बनाती हूँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। मैंने लूपवॉर्म वाटर जो है इस बॉटल में रख लिया था, और मैं अभी मिल्क बना रही हूँ। 4 स्कूप ऐड करेंगे इसमें 120 ml वाटर में। तो करते हैं, बोतल में 4 स्कूप डाल दिए है मैंने लैक्टोजन पाउडर के, फॉर्मूला पाउडर के। यहाँ पे उंगली रख के ऐसे मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप ढक्कन लगा के कर सकते हैं। अगर ऐसे करते तो मेक श्योर आपके हाथ बिल्कुल साफ हो। 2 बार आप हाथ धो सकते हैं इससे। एंड जैसे ये डब्बा है, इसको हम कर देते हैं बंद। एंड यहाँ पे मिल्क रेडी है 120 ml। सो
बस बहुत सिंपल होता है बनाना। तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं, वैसे वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको पानी गर्म करना होता है और बोतल में आपको मेजरमेंट लेना होता है एंड पाउडर डाल के मिक्स किया और बेबी को पिला दिया, बहुत ईजी होता है। तो फाइनली मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ एज आई एम एक्सपीरियंस। सो आप जब भी बोतल बाय करें बेबी के लिए मिल्क बोतल, तो आप ये ध्यान रखें कि उस पर प्रिंट किया हुआ कभी ना ले जिस पर मेज़रमेंट प्रिंट होता है। हमेशा जो प्लास्टिक से जो उभरा हुआ होता है वही बाय करें, वरना क्या होता है कि जिस पर छपा हुआ होता है प्रिंट होता है ना, वो एक दो यूज़ के बाद ऐसा लगता है वो निकलने लग जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हमें मेज़रमेंट करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए। सो आप ये ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।